जी नाम क्या आपका? किरण। आज महिला थाने में पहुंचे, क्या कुछ पूरा मामला है? मेरे हस्बैंड ने सेकंड मैरिज कर रखी है, वनीर से धक्के खा रही हूँ मैं। सारे प्रूफ दिखा दिए मैंने पुलिस को, हर जगह फिर ली मैं। यही बोलते हैं कि मैं उसको नहीं जानता, रिलेटिव रिलेटिव। कल भी, पिछले साल भी करवा चौथ के दिन उस घर में थी, वह कल भी मेरे पास सारे एविडेंस है, सब कुछ दिखा दिया मैंने। चूड़ा डाल रही है लड़की, कल भी मेरे रूम में बैठी वीडियो बनाने लग रही है, मेरे रूम में खड़ी है, सब कुछ दिखा दिया, फिर भी वो बोल रहा है कि मैं उसको जानता नहीं हूँ। प्रेग्नेंट है लड़की 6 महीने से, ना उसको फेस कर रहे लड़की कम, पुलिस वाले को यही बोल रही हूँ, उसको बुला के पूछो तो कम से कम। आपका जो पति है विकास है, वो ये बोल रहा है कि मेरे को तो पता ही नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। वो तो बोल, मतलब वो यही पता, वो बोलता है कि वो तो अपने भाई की साड़ी बता रहा है। भाई की साड़ी की ना क्यों रख रहे हैं? एक जने बोलो, एक जने। आपका हस्बैंड जो है क्या करते हैं? वो हरियाणा पुलिस में है, डायल 112 में उनकी ड्यूटी है पंचकुला। तो कब से चल रहा है उनका ये? 1 ईयर से चल रहा है भैया, एक साल से चल रहा है। सारे सबूत दिखा दिए, मैं कर्मू भाई को लेके भी गई थी लड़की, मतलब मैंने पता लगा कि वो रेंट पे रहने लग रहे रूम में, मैं कर्मू भाई को लेके गई, मैंने एंट्री की रूम में से लड़की ने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया, गेट बंद कर दिया। फिर मैं दोबारा गई, मैंने गेट को जोर से मुश्किल से खोल दिया, वो खुल गया। फिर मैंने पूछा लड़की से, तुम्हारा डिवोर्स? ने कहा तुझे क्या पता डिवोर्स पे तो मेरे साइन होंगे, जब भी तो उसकी शादी होगी ना उसके साथ। मंगलसूत्र डाल रही है, मांग भर रही, चूड़ा डाल रही है, बोली कि मेरा हस्बैंड है विकास, पीछे बेड पे मेरे हस्बैंड की पिक भी लग रही है, सारे सबूत दिखाने लग रही हूँ मैं। आप कह रहे हो भी उसने करवा चौथ भी मनाया, क्या कुछ सबूत है आपके पास? मेरे पास पिक है, दिखा दो जरा, पिक है। क्या जानकारी है इस बारे में आपके पास? ये देखो, ये मेरे रूम की पिक है कल की, ये मेरे रूम में खड़ी है लड़की, चूड़ा डाल रही है, प्रेग्नेंट है, देख लो सर, यहाँ पूरे गैटअप में है शादी के। कौन लड़की किसी के रिलेटिव के घर में ऐसे रूम में खड़ी हो जाएगी चूड़ा डाल के? अगर वो मासी की लड़की है तो अपने घर में क्यों नहीं रहती? वो 2 ईयर से करवा चौथ इस घर में क्यों मना रही है? वो कोई हस्बैंड होगा, बर्तिरंज होगी जिसके लिए, उसके लिए तो होगा ये सब। ये कहाँ की फोटो दिखा? मेरे रूम की है ये पिक, की मेरा सारा सामान वही पड़ा है, ये लड़की यूज करने लग रही है, मेंटली टॉर्चर कर रखा है इस लड़की ने मुझे पूरी तरह से। वीडियो दिखा, ये देखो वीडियो दिखा, मेरे रूम में वीडियो देखो लड़की की, चूड़ा डाल रही है, मेहंदी लगा रही है, बिंदी लगा रही है, पूरे गेटअप में है, देखो। इसको पता नहीं है अभी दूसरे के घर में कौन ऐसे रह लेगा भैया, फिर भी प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। प्रशासन की तरफ से अब क्या आश्वासन मिला अंदर बैठे? अभी कुछ नहीं हुआ, हुआ। बस बयान बात सुन के मेरी मैं बाहर चली आई, उनके बयान हुए हैं, अभी बोल रहे हैं लड़की को बुलाएंगे फिर पता चलेगा। आपकी सुनवाई हुई कुछ? अभी कुछ नहीं हुआ, बुलाया। पता क्या, वो बोल रहे हैं कि लिविंग में रख सकता, अगला बंदा बोल रहा है लिविंग में है नहीं, जबरदस्ती उसको बोल रहा है कि लिविंग में रख लेगा, उसको तो पता भी नहीं है इसमें। ये कौन कह रहा है लिविंग में रख सकते हैं? पुलिस वाले बोल रहे हैं ना लिविंग में रख सकते हैं, अगर लिविंग में रख सकते हैं तो कोर्ट से एविडेंस बनता है। मना कौन कर रहा है लिविंग में नहीं है? मेरा हस्बैंड बोल रहा है अभी ना तो मैंने शादी की ना मैं लिविंग में, ये तो मेरे भाई की साड़ी की, मेरे भाई की साड़ी है, विवो है, विवो नियर से इस घर में क्या करने लग रही है? वो मेरे मेरी ज्वेलरी डाल रही है, मेरे कपड़े, मेरा बेड, सब कुछ मेरा यूज करने लग रही वो लड़की, ऐसे कौन दे देगा किसी को? अरे एक साल से, अरे जो इस मासी की लड़की है वो मौसी का है इतने दम से, जब उसकी बेटी बेटने ब्लेम लगन लग रहे हैं, उस लड़की बेटने ब्लेम कौन बैठेगी ये लड़की इतना चुपचाप? अगर सच्चे अभी तो वो बैठी है, जो कर्मू भाई ने पीछे रिपोर्ट करी थी बहुत वायरल हुई थी, उसमें भी ये दिखे गया था कि वो लड़की खुद कह रही थी कि मेरे घर वाला आई है, मैं इसकी पत्नी हूँ। अब आपने वो एविडेंस इन पुलिस वालों के सामने रखा, वीडियो दिखाई है, तो उसके बाद इनका क्या रिएक्शन था? कुछ नहीं भैया, अभी भी रिएक्शन इनका कुछ भी नहीं है, उनका पक्ष लिया जा रहा है। हाँ जी, यही कहना चाह रहे हो? अभी तो कुछ नहीं हो रहा है, मेरी सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे पास लास्ट ऑप्शन ये है कि इस बेटे को लेकर मैं खुद सुसाइड कर लूं, कि उसके बाद पता क्या, अगर मैं करना सुसाइड करूं ना पूरा प्रशासन खड़ा हो जाएगा, इसकी लड़की के साथ ये हो गया वो हो गया, और अब कोई भी साथ नहीं है, अब कोई भी साथ नहीं, जनता नहीं, खुद पुलिस प्रशासन वाले कह रहे हैं कि रिलेशन में रह सके। हां जी, फिर ये जो रिलेशनशिप के मामले फिर इस तरह चलेंगे, फिर तो इस तरह चलेंगे जी, अगर लड़की की तो मौत भी दी ना हमारी भैया, अगर कोई भी है तो मां को डाल के मंगलसूत्र खुद ऐसे ऐसे गंदे काम पर लगा रहे हैं। दो मिनट ये खुद पुलिस वाला ऐसे ऐसे गंदे काम कर रहे हैं। नाम क्या आपका? मेरा सत्ता जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं इस मामले के बारे में? बस हमने तो न्याय चाहिए, न्याय दिलवा दे, हम तुम्हारी बेटी बहुत दुखी है, बस न्याय आज ही मिलना चाहिए। मान तो वो लड़की ने बुला ले, मैं मुझसे नहीं पूछ लेंगे भाई क्या है इसका रिश्ता, तेरे तो जवाब दे रही हूँ, तो भी बता दे तेरा क्या रिश्ता इसका अकेला, तो क्यों रह रही इसका घर में, क्या काम है तेरा इसका? मेरा भी बेटी है, मैं अपनी बेटी ने दूसरे घर में भेज दूंगी,
भेज दूंगी। कादा पाटा है, देख 7 साल की लड़की है, कराड़ है, क्या हाल हो उसकी? तो अपनी बच्ची ने नहीं भेज दिया कोई बता, कोई भेजेगी की नहीं? एक साल हो गए, ये भाई मम जानते नहीं मारी मौसी की, मारी सारे की। इस मामले में लेके एसपी साहब से भी आपकी बात हुई है? सबता होली माने, सबता होली मार तो बात है। हाँ जी किरण जी, एसपी साहब से बात हुई आपकी? एसपी साहब से इस मामले में? हाँ जी सबसे बात होली। तो क्या एसपी साहब की तरफ से? एसपी ने मार करके डीएसपी को भेज दी। हाँ जी एसपी सर से मिली थी, वो भी यही बोलते हैं कि लिविंग में रख सकता है, रख सकता है, मगर उसके साथ साथ आपने कोई प्रूफ नहीं दिया कि ये लिविंग में नहीं है? उन्होंने यही बोला, स्टेटमेंट नहीं दिया आपने? उन्होंने मेरे प्रूफ दे के ये बोला भी बेटा जब इन्होंने इतना गंदा काम कर लिया तो क्या करेगी इसके साथ? करेगी क्यों नहीं करेगी? न्याय के लिए आश्वासन कुछ दिया उन्होंने? कुछ नहीं भैया, अगर कुछ होता तो अभी तो कुछ हो नहीं जाता। न्याय तो मिलना चाहिए अपने दिन, न्याय कर लेगा कोई तो मेरे। उन्होंने बोला कि देख लो भी अगर कुछ काम होता हो तो मेरा सबसे बोला कि मुझे नहीं बोला, मैं बाहर चली गई बात करने के लिए। मेरे ससुर ने मुझसे पूछा आने का, तू बस ना चाहे माँ, मैं उजड़ना कब चाह रही थी, मैं तो बस नहीं चाह रही थी, मैं अपने बेटे को लेके कहाँ जाऊंगी? मैंने तो कभी बोला ही नहीं मैंने डिवोर्स लेना है। निका फिर चल तो सब कुछ सिरा पड़ा है, तू रह ले माँ, वो लड़की निका वो भी रह लेगी, निका दोनों रह लो, क्यों रह लेगी लड़की निका? उसकी भी पड़ी रहेगी निका, तू भी रह ले, मैं कैसे रह लूंगी उसके? मेरा तो घर है, मेरा परिवार है, मतलब सब कुछ मेरे नाम पे, आइडेंटिटी में कैसे मेरे लड़की? फिर मैंने यहाँ के लीडर सर को बोला कि ये तो ऐसे बोल रहा है कि तुम दोनों रह लो, फिर मुकर गया। ये स्टेटमेंट किसकी थी? दोनों रह लो, मेरे ससुर की। उन्होंने बोला कि आप दोनों डालो, उन्होंने कहा उसको कैसे निकाल लेंगे, हम पड़ी रहेगी वो भी। फिर मैंने बोला कि वो तो बोल रहा है कि दोनों डालो एकदम से। आप अब डिवोर्स के लिए तैयार हो या घर बसाने के लिए? घर बसाने के लिए तैयार, मुझे डिवोर्स लेना ही नहीं है भैया, फिर डिवोर्स लेना दबाना मैं उरा हुआ को नहीं करना। 3 साल से केस चल रहा है, 2.5 साल से केस चल रहा है। और खर्चा कब से बंद है? खर्चा लगा है नहीं अभी तक भी, कोई आइडेंटिटी दिखा दो। खर्चा कोर्ट की तरफ से बंद चुका है ना? कोर्ट की तरफ से 2 मंथ दिया है कुछ? कुछ नहीं, ये बोल रहा है कि मैंने खर्चा दे दिया, वो दिखा दो ना, सबूत दिखा दे, सबूत दिखा दिया मैंने, कुछ भी नहीं दिया अपने। फिर कोर्ट से ना 8500 लगा, 3 बार परसों भी वही तो बोला 8500 लगा और मैंने 10,000 दिया। पिछले परसों ही मेरी पैसी थी, आया नहीं है, ये समन ही नहीं लिए इसने। मैं पूरा दिन वेट करके आई, खर्चे की 125 वाली तारीख थी मेरी। हाँ नहीं आपको पैसे नहीं दे रहा है कोर्ट में, बल्कि उन्होंने बोला कि लास्ट ऑप्शन है उसके पास, नहीं बोला है, मैंने मेरे वकील को दे दिए 10,000 रुपए। वकील को दिए फिर वो कोई सबूत तो होगा ना, वकील को क्यों दिया उसने? कोर्ट में डालो ना वो, जब कोर्ट से लगा तो कोर्ट ने कोई एविडेंस कोई तो सबूत दिया होगा, उसमें डाल लो आप, मेरे पास अपने आप नहीं उनका प्रूफ आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे पास। अभी तक कुछ नहीं आया, अभी तक कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं आया, कोई रसीद वगैरह दिखा दे, वो कुछ मेरे पास आया ही नहीं है। ये तो कभी ये बोलता है 1 ईयर से दे रहा हूँ, कोई बोलता पकड़ ले, मेरे पास पीछे आया ही नहीं है, अपना आप नहीं पकड़ ले। कितने साल का होगा लड़का आपका? 3.5 साल का है। ये शुरुआत से वो कितने दिन के बाद आई वो महिला आपके घर? मैं आपकी शादी कितने दिन हुए पहले? मतलब 2018 में शादी हुई थी मेरी, 2018 में। और वो दूसरी महिला कब से? पिछले 1 ईयर से, अभी पिछले ईयर अक्टूबर में शादी की थी उसने। शादी से पहले आपको पता था कि इनका कोई अफेयर भी? नहीं, मुझसे बात करता था वो 15 दिन जब मैंने शादी की ना, 15 दिन पहले भी मेरे कॉन्टेक्ट में था लड़का, मुझसे बात करता था, मेरे बेटे से बात करता था कि मैं लेके जाऊंगा, अभी मेरी मम्मी नहीं मानती, मेरे पापा भी वो नहीं चलते मेरे फैमिली वाले, क्यों तो आए भी। अच्छा इनकी शादी से पहले मतलब? हाँ जी मेरे लिंक में था वो, मेरे पास सारे सबूत है, चैट पड़ी है मेरे पास सारी। आपकी शादी अरेंज मैरिज से? अरेंज मैरिज। ठीक है।